रामगढ़ के राव तसल से है। जहाँ नगर पालिका में चल रही खींचातान के बीच नगर पालिका अधिशासी अधिकारी चैम्बर में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर खींचतान व नोकझोंक हुई। इस आपसी खींचतान के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष के पास बैठे पूर्व मनोनीत पार्षद सिकंदर खान ने ग्लास में भरा पानी नेता प्रतिपक्ष गौतम बंसल के मुंह पर फेंक दिया। मौके पर मौजूद अन्य पार्षदों ने बीच बचाव कर एक बार मामला शांत करवाया, लेकिन बंसल सहित विपक्ष के पार्षद अधिशासी अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पूर्व पार्षद सिकंदर खान के साथ तीन चार अन्य ने दोबारा अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में प्रवेश किया और नेता प्रतिपक्ष के साथ आए एक युवक अमित पुत्र राम कुमार जाट निवासी बोमपुरा के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक मारपीट के आरोपी जा चुके थे। इस संबंध में ईओ शैलेंद्र गौद्रा ने नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर सिकंदर खान व 5 से 7 अन्यों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और चैम्बर में आकर मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज करवाया है। हनुमानगढ़ से राज रतन पारिक की रिपोर्ट। आज लगभग दोपहर में 1 बजे मैं बीजेपी कार्यालय से जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी होल्डिंग की रसीद कटाने के लिए नगर पालिका में आया था। मेरे पास मेरे साथ मेरे जो भाजपा के पार्षद हैं वो साथ में थे। हमारे द्वारा जैसे रसीद कटा के ऊपर से नीचे आए हमें लगभग 15-20 मिनट लग गए। उस दौरान हमने देखा कि ईओ साहब के कैबिन में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जैसे हम कैबिन के अंदर घुसते हैं तो मैं पता लगा भी चेयरमैन साहब और ईओ साहब की किसी बात को लेकर हॉटटॉक हो रही थी। मेरे बात पूरी बात को सुनने के बाद में मैंने ईओ साहब से कहा कि ईओ साहब आप बात जनता की रफाड़ी की करो। पिछले 3 महीनों से श्याम किशोर पुत्र दुलाराम रेकर की फाइल है जो नगर पालिका से गायब है, पट्टे की फाइल थी, ईओ के सिग्नेचर हुए, उसके बाद में संबंधित सीओ से पूछा जाते तो आज तक फाइल नहीं लगी, बार बार ये कह रहा है चेयरमैन के पास है। इस बात को मैं लेके जब ईओ साहब को ये बातें बता रहा था तो चेयरमैन साहब ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। उनके साथ में बैठे पूरे मनोनीत पार्षद सिकंदर खान द्वारा मेरे पास में बैठे थे, मजदूरों का जो झूठा पानी का वो मेरे मुंह पे घेर दिया गया। लगभग 1:15 बजे में नगर पालिका में आकर बैठा था, इसके पश्चात समस्त का कई पत्रकारगण मेरे पास आके बैठे। उसके बाद में चेयरमैन साहब और सिकंदर व 20-25 अन्य आदमी जिनको मैं जानता नहीं वो यहाँ पे आए। उन्होंने कोई भूमि शाखा के 2 ताड़े लगाने के बारे में बात की तो मैंने कहा भी कर्मचारी छुट्टी पे है और परसों का कर्मचारी ने रात को शुक्रवार को रात को डेट ऑवर्स तक खुला था, इसके कारण से डबल ताला लगाया जाए गया है और जब भी कर्मचारी ड्यूटी आ जाएगा छुट्टी से तो इसको खोल देंगे। तो इसी दौरान हमारे आपस में नोकझोंक होती रही और उसी टाइम में नेता प्रतिपक्ष है वो किसी काम से मेरे पास आए तो उसी वो टोक के दौरान सिकंदर जो था पास बैठे थे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के ऊपर पानी फेंका। उसके बाद में उनके ड्राइवर के कोई आदमी और आए और उनके ड्राइवर थे या पता नहीं कोई कौन बता रहे ड्राइवर बता रहे उसके साथ मारपीट की। आज सुबह से ही मेरे पास रावसर शहर के गणमान्य लोगों के मेरे पास फोन आ रहे थे कि भी आज वर्किंग डे होने के क्योंकि 2 दिन पहले छुट्टी थी, छुट्टी के बाद में आज लोग रोजमर्रा के काम के लिए ऑफिस में आ रहे थे तो जो तीनों शाखाएं थी उन पे ताले लगे हुए थे जिसके बारे में हम लोग यहाँ नगर पालिका में आए, मेरे साथ पार्षदगण थे और जो लोग यहाँ काम के लिए आए हुए थे वो लोग भी थे। हम लोगों ने जाकर के ईओ साहब से बात की कि आपने जो ताले लगाए वो ताले आपने किस आधार पर लगाए हैं तो इसके इस पर ईओ साहब को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और मैंने उन्होंने यही जवाब दिया कि भी मेरे पास कर्मचारी नहीं है जबकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो थे। ऐसे में किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।